हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, हमने कुछ टाइप्स ऑफ डिफेक्ट किए थे हमने पिछले कल, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आए होंगे। अभी थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं हम उसको। हमने क्या क्या किया था कि एक सिंपल आइडियल क्रिस्टल होता है, आइडियल क्रिस्टल ऐसा क्रिस्टल होता है जो कि अपने आप को रिपीट करे, लॉन्ग रेंज बनाए, ठीक है, खुद को रिपीट करता रहे और उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई डिफेक्ट ना हो, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि जब बोलते तो हैं हम लोग कि जो है क्रिस्टल जो है वो आइडियल होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और वो जो है जो नॉर्म जो है थर्मोडायनेमिक नॉर्म जो है या जो इंट्रोपी है उसको फॉलो करे। अब तो समझते हैं ना इंट्रोपी क्या होती है, तो उसको फॉलो करे तो होता नहीं है ऐसा, ठीक है। दो तरह के डिफेक्ट बताए थे, एक पॉइंट डिफेक्ट और एक लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट तो आपके सिलेबस में है लेकिन लाइन डिफेक्ट नहीं है। समझने वाली बात यह है कि जो सिंपल सा कि कोई यहाँ से एटम या आयन गायब होता है तो पॉइंट किसी पॉइंट से गायब होता है या कोई बीच में किसी पॉइंट पर आ जाता है तो उस तरह का डिफेक्ट क्रिएट हो जाए तो उसको बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। और पूरी की पूरी लाइन गायब हो जाए उसको बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। और क्या पढ़ा था हम लोगों ने? वेरी गुड, हमने पढ़ा था पॉइंट डिफेक्ट में तीन तरह के डिफेक्ट्स, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स एंड इम्प्यूटेड डिफेक्ट। तो जो स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट था वो भी हमने चार तरह से किए थे, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। ये जो शॉटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट हमने आज करने हैं, हमने क्या किए थे, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये दोनों नॉन आयनिक कंपाउंड में होते हैं, मतलब ये हमारे एटम या मॉलिक्यूल में होंगे, और शॉटकी डिफेक्ट क्या होता है, सिर्फ आयनिक कंपाउंड में होते हैं, समझ गए। ये दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस है। ये दोनों लगभग एक जैसे ही हैं, जहाँ पर प्रॉब्लम आती है, जहाँ पर कुछ अलग सा है वो मैं आपको बताता जाऊँगा, ठीक है। फिर ये स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर आते थे, फिर नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट आगे हम लोग करेंगे और इम्प्यूटी डिफेक्ट करेंगे, ठीक है। ये आगे इनको हम इलेबोरेट करेंगे, पहले चलो चलते हैं हम लोग हमारे जो वैकेंसी डिफेक्ट पे। कुछ बच्चों ने मुझे बताया था कि सर ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट समझ आया था। वैकेंसी डिफेक्ट तो कॉमन सा डिफेक्ट है कि अगर मान लो कहीं से कोई एटम यहाँ से, क्योंकि एटम का ही होता है ना, ये एटम गायब हो गया, ठीक है, बीच से एटम गायब हो गया तो इसकी भी रेशो होती है गायब होने की, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग वैकेंसी डिफेक्ट, क्योंकि वैकेंसी क्रिएट हो गई, खाली जगह क्रिएट हो गई, ठीक है, एक होल क्रिएट हो गया यहाँ से, तो वैकेंसी डिफेक्ट है ये। अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्या था हमारे पास, था इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। देखो इंटरस्टिशियल का मतलब क्या होता है, ये जो एटम देख रहे हैं आप इसके बीच में ये वॉइड होता है, तो वॉइड को एक्चुअली इंटरस्टिशियल बोलते हैं। तो ये जो जगह होती है, ये वॉइड्स होते हैं, आपने किया होगा कि ये जो वॉइड होते हैं, कोई एटम क्या आया, ये बाहर से एटम आ गया, ठीक है, कोई आया और इसने यहाँ जगह, इसकी जो वॉइड पे जगह इसने ले ली, ठीक है। तो बाहर से आया एटम और इसने यहाँ आके चार के बीच में, उसने जैसे होता ना कोई बड़ी ज़्यादा भीड़ों को और ज़बरदस्ती आदमी घुसाए और उसमें जगह बना ले, ठीक है ना, तो एक सिमेट्री बनी होती है, एक डिसिप्लिन रो बनी होती है, और वो क्या आता है जहाँ जगह नहीं होती और वहाँ आगे घुस जाता है ज़बरदस्ती, तो वो एक तरह का डिफेक्ट क्रिएट हो गया उस चीज़ में। तो ये जो डिफेक्ट है, उसने अनऑक्यूपाई कर ली, वो ऑक्यूपाई कर ली जगह, ठीक है, तो पार्टिकल ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल पोजिशन, ये बीच वाली जगह ले ली, तो वॉइड की वॉइड वाली जगह पर आ गया वो, तो उसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है, समझ गए। आगे चलो, अब हमने जो मेन डिफेक्ट आयनिक डिफेक्ट में करने हैं, और दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट डिफेक्ट्स, हर बार पेपर में आपको व्हाट इज़ द मेन डिफरेंसेस बिटवीन शॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, ये आते ही आते हैं, या फिर आपने ए बी सी सीरीज में आपको ये क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉटकी डिफेक्ट के बारे में, समझ गए। तो ये क्या है, शॉटकी डिफेक्ट क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे शॉटकी, उसने ये डिफेक्ट क्रिएट किया था, उसने ये डिफेक्ट का पता लगाया था। तो शॉटकी डिफेक्ट क्या है कि दिस डिफेक्ट अराइजेज इफ सम ऑफ द आयन आर मिसिंग, सम ऑफ द आयन्स मतलब देखो ये आयन जैसे ए प्लस है, बी नेगेटिव है, केटाइन है, एनाइन है, केटाइन है, एनाइन है, देख रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं आप, ठीक है, केटाइन, देखो यहाँ केटाइन के बाद एनाइन, ऐसे सिमेट्री बनी हुई है, एक डिसिप्लिन फॉर्म बनी हुई है। लेकिन होता क्या है कि अचानक क्या हो, जैसे टेम्परेचर बढ़े या कम हो जाए, होता तो तभी है, तो क्या हो जाए कि ये जो बीच में है, यहाँ से देखो यहाँ से ए प्रो पॉजिटिव गायब हो गया, ठीक है, तो और यहाँ से देखो अगर ए पॉजिटिव गायब हो गया तो साथ में इसको बराबर करते बी नेगेटिव भी गायब होगा, तो न्यूट्रलिटी तो तभी बनी रहेगी, एक ए पॉजिटिव गायब हो गया तो एक बी नेगेटिव भी गायब होगा,
एक के कारण कैटायनिक वैकेंसी आई, दूसरे कारण एनायनिक वैकेंसी आई, ठीक है, बराबर गायब हुए, समझ गए। तो इस तरह से जो डिफेक्ट क्रिएट होता है उसको बोलते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट, ठीक है। देखो शॉर्ट की, शॉर्ट की से आपने याद रखना शॉर्ट हो गया, शॉर्ट शॉर्ट की तो वैसे नेम ऑफ साइंटिस्ट है ना ये, लेकिन आपको याद रखने का तरीका कि ये उस क्रिस्टल शॉर्ट हो गया ये क्योंकि इसमें से गायब हो गए, ठीक है। अब जो है मिसिंग हो गए तो क्या क्या फ़र्क पड़ता है। देखो यहाँ से जब कोई आयन बीच से गायब होता है, केटाइन, एक केटाइन गायब होगा तो एक अनायन भी गायब होगा, तो एक तो न्यूट्रलिटी जो है वो बनी रहेगी, लेकिन इसकी जो है ना डेंसिटी जो है वो कम हो रही है। जैसे हमने पीछे वैकेंसी डिफेक्ट किया था उसमें भी डेंसिटी कम होती है, ठीक है, इसमें भी सेम है कि इसमें भी क्या हो गया, उसकी जो क्रिस्टल की डेंसिटी है, उसका जो घनत्व है वो क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम और क्या चीज़ें कुछ समझ सकते हैं, जैसे आपको डिफरेंसेस में आएगा तो आपने ये छोटे छोटे पॉइंट दे सकते हैं कि सबसे पहला पॉइंट आप ये दे सकते हैं इसमें कि इसमें डेंसिटी इसकी कम होती है, ठीक है। अगला क्या है, कंडीशन कॉजिंग, अच्छा ये कौन कौन सी कंडीशन है, किन किन कंडीशन में जो है वो शॉर्ट की डिफेक्ट होता है, ठीक है, क्रिस्टल में जो शॉर्ट की डिफेक्ट का क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए इसके लिए। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट यूजली ऑब्जर्व्ड इन स्ट्रॉन्गली आयनिक कंपाउंड, जो बड़े तगड़े जो हैं वो आयनिक कंपाउंड हो उसमें ये डिफेक्ट शॉर्ट की डिफेक्ट होता है। तो उसके लिए पहला जो कंडीशन है दैट इज हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो दैट शुड बी हाई, पहला पॉइंट, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है कि केटाइन एंड एनाइंस आर ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर साइज, केटाइन और एनाइन का जो साइज है वो बराबर होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, जब हम ये केटाइन है ऐसे कोई किसी, अगर यहाँ से अब ध्यान देना, अब पिछला याद करना आपने कि मैंने क्या करवाया था आपको। मान लो जो केटाइन का साइज है वो कम है, जैसे साइज ऑफ केटाइन जो है वो कम है तो उसके इर्द गिर्द जो है वो एनाइन होते हैं, तो उसके लिए कंडीशन क्या है, जैसे बड़ा ही कम साइज है तो एनाइन जो है वो कम होंगे, जितना छोटा है उतने एनाइन, ये देखो ये लीनियर शेप बनती है, थोड़ा सा बड़ा हुआ तो हमारे पास ट्राइग्लन बनी, और थोड़ा सा और ये बड़ा हुआ तो आपके पास कैसी शेप बनी, टेट्राहेड्रल, फिर ऑक्टाहेड्रल। जितना बड़ा हम लोग केटाइन का साइज बढ़ाते रहेंगे उसके इर्द गिर्द उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा, ज़्यादा एटम उसके इर्द गिर्द आएंगे, ठीक है, छोटा है तो कम आएंगे। देखो ये टेट्राहेड्रल शेप बनी, ठीक है, याद आया आपको कुछ। तो केटाइन का साइज और एनाइन का साइज बड़ा मैटर करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, मतलब अगर जैसे जैसे आप केटाइन का साइज बढ़ाते रहेंगे उसका कोऑर्डिनेशन बढ़ता रहता है, तो ये इसमें तो ऐसा ही है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है हाई है, क्यों है, क्योंकि केटाइन और एनाइन का जो है सेम साइज है, ऑलमोस्ट सेम साइज है, जितना केटाइन का साइज है उतना ही एनाइन का साइज है, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा ना। अगर छोटा होता, केटाइन का साइज जो है वो छोटा है तो एनाइन जो है वो, एनाइन का तो बड़ा ही होता है, तो इसका मतलब इसके इर्द गिर्द जो है वो कम एनाइन आएंगे, समझ गए। इस पॉइंट को आप, मुझे लगता है कि मैंने पहले भी आपको कराया तो आप लोग इस पॉइंट को फॉलो कर रहे होंगे कि केटाइन का साइज छोटा हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो कम होता है, लेकिन केटाइन का अगर साइज ज़्यादा हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होता है, हाई होता है, क्योंकि उसके इर्द गिर्द जो है वो नंबर ऑफ एटम्स और आयन जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ तो ऑलमोस्ट सिमिलर साइज है, इसका मतलब कि कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा ना, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं जिनका एक जैसा, जो केटाइन और एनाइन का साइज एक जैसा होता है, एक तो सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, ये पोटाशियम ब्रोमाइड, सीजियम क्लोराइड और AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। आपने एक चीज़ याद रखनी कि सिल्वर ब्रोमाइड का जो है वो शॉर्ट की डिफेक्ट भी होता है और सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो फ्रैंकल डिफेक्ट में भी होगा, समझ गए। तो यहाँ से देखो अगर आपने डिफरेंस आ जाता है, अगर आप लोगों को आ जाता है कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंसेस बिटवीन शॉर्ट की डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, तो आप दे सकते हैं पहला आपने डेंसिटी वाला दे सकते हैं कि डेंसिटी जो है शॉर्ट की कम होती है। अभी फ्रैंकल करेंगे फिर मैं आपको बताता हूँ, ये डिफरेंस बताता हूँ, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत सी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, इसमें डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। लग गया पता आपको, दो चीज़ें ये पता लगी साइज़ के बारे में और एग्जाम्पल भी हो गया और साथ में आपने डेंसिटी भी कर ली, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट के। फ्रैंकल डिफेक्ट पे क्या होता है कि यहाँ पर ये जो देखो वही है तो जो आपके पास जो एक क्रिस्टल है वो इस तरह का होता है, यहाँ ये खाली बताए ना, खाली नहीं है, ए और यहाँ बी पॉजिटिव होगा, याद रखना आपने
ये जो है वो ये बी पॉजिटिव होगा यहाँ, यहाँ खाली बताया हुआ लेकिन ये होगा यहाँ पर, ठीक है। और जो मैं बताऊंगा आपको वो आपने क्या है कि ये देखो, ये जो है यहाँ से ए है, ये क्या हुआ यहाँ से गायब हो गया, यहाँ से निकला ये ए, कहाँ से निकला यहाँ से निकला, और ये कहाँ पहुँच गया, इसने कौन सी पोजिशन ले ली, इसने पोजीशन ले ली इंटरस्टिशियल, निकला यहीं से है, और पोजीशन कौन सी ले ली ये इंटरस्टिशियल पोजीशन, कहीं जाके और चला गया, ठीक है ना। एक रो में जैसे यही है कि आप लोग रो में खड़े हैं, ठीक है ना, ऐसे ऐसे रो में खड़े हैं, और यहाँ से स्टूडेंट एक निकलता है और अपनी जो रो छोड़ के गया है यहाँ घुस जाता है कहीं पे बीच में, पेयर में होता है ना ऐसे, और ये बीच में भी नहीं जाता, ये यहाँ पर पहुँच जाता है, ठीक है, ये यहाँ पर आ गया, समझ गए कि वो अपनी जगह छोड़ी उसने और वो कहाँ आ गया, यहाँ बीच में कहीं, ठीक है। ये तो लग गया पता, तो ये जो बीच में, वैसे मैंने पहले इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बताया, वहां पर क्या होता है बाहर से कोई आ सकता है, लेकिन यहां से अपनी ही जगह छोड़ के देखो इसने वैकेंसी क्रिएट करी, ठीक है, यहां पर क्या हुआ इसने क्या की वैकेंसी क्रिएट करी, वैकेंसी यहां से चला गया ये, और ये कहां जाके घुस गया, यहां खाली जगह पे इस इन चार के बीच में, ये जो मैंने बताया कि इस बीच में वॉइड पे चला गया, क्योंकि इसमें क्या होता है क्यों चला गया ऐसे, ये स्थिति वही है कि यहाँ पर जो केटाइन का साइज है ना वो छोटा होता है, क्योंकि फ्रैंकल डिफेक्ट की जब आप कंडीशन करेंगे तो वहाँ पर तो शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या था, वहाँ पर केटाइन और एनाइन का साइज एक जैसा होता था, लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या है केटाइन का साइज छोटा होता है और एनाइन का ज़्यादा होता है। अब ये छोटा सा है तो यहाँ से निकल के क्या हो गया, फिसल के क्या हो गया, यहाँ ये बीच में आ गया, ठीक है, इंटरस्टिशियल साइड पे आ गया, लग गया पता। तो ये इसकी डेफिनेशन है कि दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट राइजेस देन एन आयन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन एंड ऑक्यूपाइज इंटरस्टिशियल साइट बिटवीन द लैटिस, बिटवीन लैटिस साइट, बिटवीन द लैटिस पॉइंट, या फिर वॉइड भी बोल सकते हैं कि आपने इसने कैप्चर कर लिया वॉइड, समझ गए। बीच में दिस डिफेक्ट इज नोन एज फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, रशियन साइंटिस्ट था ये, उसके नाम पर ये डिफेक्ट पड़ा, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। अब हमने जो इसकी जो कंडीशन पढ़नी है दैट कॉजेज फ्रैंकल डिफेक्ट, किस किस के कारण होता है। अब शॉर्ट की से बिल्कुल ही अपोजिट है कि यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, लो होगा, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, लो होगा, क्योंकि देखो केटाइन का साइज़ क्या है यहाँ छोटा है, तभी तो यहाँ से फिसल के चला गया। अब जितना केटाइन का साइज़ देखो यहाँ पर मैंने ये केटाइन का साइज़ किया, तो इसके केटाइन का साइज़ ये है, तो इसके इर्द गिर्द कितने आ सकते हैं, जैसे ये एनाइन है तो हमारे पास कंडीशन के अनुसार एक दूसरे को टच नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये तो ये या तो इस तरह का बनेगा क्रिस्टल, या फिर थोड़ा सा ज़्यादा आगे तीन टच ट्राइगनल बना, ठीक है, टेट्राहेड्रल यानी बनेगा, क्योंकि साइज वो केटाइन का बहुत छोटा है। अब यहाँ से केटाइन निकला, एक तो पहले कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है इसका, ठीक है, तीन दो तीन ऐसे ही इर्द गिर्द, और दूसरा क्या है कि अब एनाइंस क्या है इसमें मच, दीज आर मच लार्जर इन साइज, एनाइंस बड़े होते हैं और पॉजिटिव वाले केटाइन जो होते हैं वो छोटे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से फिसला और कहाँ पहुँच गया, इसने क्या कहाँ कर ली, उसके कहीं चार आयंस के बीच में इसने कहीं और जाके घुस गया ये, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसमें क्या एनाइंस आर मच लार्ज इन साइज देन दैट ऑफ केटाइंस, का मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि केटाइन साइज आर लो एज कम्पेयर टू एनाइनिक साइज, समझ आ गया। अच्छा डेंसिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है इसकी, क्योंकि ये डेंसिटी में ये बीच का बीच में रहता है, केटाइन कहाँ से एक जगह से गया और ये यहाँ किया, लेकिन इसने दूसरी जगह ऑक्यूपाई कर ली, बाहर से तो नहीं आया ये। उसमें इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या था, वहाँ पर बाहर से एटम आया और उसने इंटरस्टिशियल पोजीशन जो है ऑक्यूपाई करी जबरदस्ती, उसने भी जो क्रिस्टल का जो है वो हिला दिया बेस उसने, ठीक है ना, उसकी गड़बड़ी कर दी, इंडिसिप्लिन हो गया वो, लेकिन उसने वहाँ डेंसिटी घनापन बढ़ाया था। लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या हुआ, क्योंकि यहीं का आयन निकला हुआ है केटाइन और यहीं आके ये घुसा है, तो इसका मतलब इसकी डेंसिटी विल रिमेन सेम, इट्स डेंसिटी विल रिमेन सेम, समझ गए, लग गया पता। तो यहाँ से आपने ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कोऑर्डिनेशन नंबर। अब आपने डिफरेंस करना है, इसका एग्जांपल करना है, तो एग्जांपल में क्या है, देखो सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर जो है सिल्वर का आयन जो होता है छोटा होता है, इसलिए यहाँ बार बार सिल्वर के साथ इन्होंने बनाया है, और क्लोरीन और क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड इनके जो है आयन जो है वो एनायन जो है बड़े होते हैं, सिल्वर के छोटे होते हैं, जिंक का भी छोटा होता है, जिंक सल्फाइड, और इसमें सिल्वर ब्रोमाइड जो है ना वो दोनों में फिट हो जाता है, मैंने आपको बताया हुआ है,
समझ गए, याद रखना इसको। और अच्छा अब हमने थोड़ा सा डिफरेंसेस कर लेते हैं, हमने अपने बेस पर भी डिफरेंसेस करने हैं कि व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस। चार डिफरेंसेस अगर आप लोग दे देंगे तो वो काफ़ी है, ठीक है। ये शॉर्ट की व्हाट इज द डिफरेंस, आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट की एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, तो आप कह सकते हैं फ्रैंकल। तो पहला डिफरेंस तो ये आ गया कि इसकी डेंसिटी जो होती है वो शॉर्ट की कम होती है, समझे, क्योंकि गायब होते हैं, एक पॉजिटिव गायब होगा तो एक नेगेटिव गायब होगा, दो पॉजिटिव गायब होंगे तो दो नेगेटिव गायब, लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट में जो है डेंसिटी विल रिमेन सेम, समझ में आ गया। दूसरा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर लो, यहाँ पर साइज ऑफ केटाइन एंड साइज ऑफ एनाइन इज सेम। तीसरा पॉइंट आ गया, यहाँ पर साइज ऑफ केटाइन इज स्मॉलर एज कम्पेयर टू साइज ऑफ एनाइन। यहाँ पर आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है, और लग गया पता। तो इस तरह से आप चार तीन चार पांच पॉइंट दे देंगे तो आई थिंक दिस पॉइंट्स आर इनफ, ठीक है। और भी ज़्यादा आपने बढ़ाने हो, पांच पॉइंट करने हो, दिस डिफेक्ट वाई डिस्कवर्ड बाई जर्मन साइंटिस्ट शॉटकी एंड दिस वाज डिस्कवर्ड बाई रशियन साइंटिस्ट फ्रैंकल, ठीक है। पर उससे बेटर ये है कि डिस्कवरी से बेटर ये है कि आप लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं, एक पॉइंट में एग्जाम्पल दे सकते हैं, और भी इसका बहुत से एग्जाम्पल बन सकते हैं, लेकिन आपने ऐसे करने हैं जो आपको याद रह जाए, और वो यहाँ से आप लोग डिफरेंसेस बना सकते हैं। तो आपके लिए घर के लिए आज का क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्रैंकल एंड शॉर्टकी एंड फ्रैंकल इफेक्ट, आपने कॉपी में करना, आपने ये भी करना है और कॉपी में भी कर लेना है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।